हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़, नई सर्वाइवल सीरीज़। और ये क्या लिखा है, टेक्नोलॉजिक। वाह, टेक्नोलॉजिक, यस, टेक्नोलॉजिक सीरीज़। तो ये हम पुराना है और मैं नया बनाने वाला हूँ। ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। सर्वाइवल, यस सर्वाइवल, एंड वी वांट कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे मैं और कुछ यूज़ नहीं कर रहा, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट इट। ओ, मैंने अपने वर्ल्ड का नाम भी लिखा हुआ, इन्फिनिट वंडर्स। ये कल भी आया था, आज फिर आ गया है। ये शायद हमारे सामने आना चाहता है या कुछ बताना चाहता है। तो एक सेकेंड, तो ये है टाइगर बायोम। मैं टाइगर बायोम में स्पॉन हुआ, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ तो खतरनाक चीज़ है। एक सेकेंड, मैं इसका नाम, ए बाबा नाम नहीं लिख सकता, अच्छा बाहर से लिखूँगा, सॉरी भूल गया था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक मेरे शेडर्स ऑन है, तुम एक नहीं ऑन है शेड, एक सेकेंड, अच्छा ऑन ही है। मैं एक मिनट में, हेयर वी आर शेडर्स के साथ। तो लेट्स, तो मैं सबसे पहले तो भाई लकड़ी काटो, लकड़ी से क्राफ्टिंग टेबल बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लकड़ी सबसे पहले तो एक काम करो, लकड़ी से क्राफ्टिंग टेबल, बस। फिर वैसे मैं मेनली पेड़ पे स्पॉन हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा हूँ। मैं 2-3 बार पेड़ पे स्पॉन हो चुका यार, ये कोई बग है या क्या है पता नहीं। शायद मैंने कोई सेटिंग कर रखी है ऐसे, कोई पेड़ पता नहीं, मैं पेड़ पे इसका स्पॉन हो रहा हूँ। तो अब लकड़ियाँ तो तोड़नी पड़ेंगी सारी, इतना लंबा टाइगर बायोम है भाई, टाइगर बायोम के पेड़ बहुत लंबे होते हैं। तो हमें अपने काम की चीज़ मिल चुकी है, लकड़ियाँ, सारी लकड़ियाँ इस्तेमाल करूँगा मैं, बनाऊँगा 2 से ना। और क्योंकि हम टाइगर बायोम में, और पानी के पास रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत सही चीज़ होती है पानी। और यहाँ हमें मिल चुकी है गुफा, छोटी सी गुफा, छोटी नहीं शायद, बहुत बड़ी है पता नहीं, मैं अभी जाऊंगा नहीं। और मैं क्योंकि यहीं पे थोड़ा अपना डेरा जमाऊंगा, तो ये ही होगा मेरा क्राफ्टिंग टेबल है। ओके, लेट्स मेक सम टूल्स। सबसे पहले मुझे ये चाहिए, और पेड़ काटने के लिए चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको प्रो की तरह खेलना है, प्रो की तरह, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फालतू की चीज़ में वेस्ट नहीं करना है अपनी चीज़ें जब तक आपके पास चीज़ों की कमी है। तो सबसे पहले तो भाई एक काम करो, जितने कोबल स्टोन हो सब तोड़ लो। अगर आपको एक स्टोन एज वाला घर बनाना है तो कोबल स्टोन से बनाओ, और एक मॉडर्न वुड वाला घर बनाना है तो वुड से बनाओ। और क्योंकि ये गुफा है तो मैं कोल के लिए भी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे भी अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। पहले मुझे टॉर्चेस ही होंगे, तो ये मिल गया मुझे स्टोन, और मैं कोबल स्टोन, और मैं जाने वाला हूँ ऊपर, बना लूँगा एक पाथ, बनाऊँगा यहाँ से, मतलब ऊपर जाने के लिए पाथवे। थोड़े कोबल स्टोन और गैदर कर लूँगा, और ये देखो भाई, तो ये तो माइनक्राफ्ट का नॉर्मल एक बेसिक सा चीज़ है कि आपको कोबल स्टोन गैदर करने हैं और वुड गैदर करनी है, जितनी ज़्यादा आप कर सकें। तो मेरी क्राफ्टिंग टेबल शायद इससे रहती है। तो और इससे सबसे पहले हमें स्टोन, अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले स्टोन के बनाओ और फर्नेस बनाओ। तो फर्नेस तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त के लिए, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाना मार भी रहे हो किसी चीज़ को, तो फर्नेस के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। फर्नेस ज़रूरी है, फर्नेस बनाओ, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोल मिल गया है तो आप डायरेक्ट कैंप फायर बना सकते हो खाना पकाने के लिए, वो मैं बता दूँगा कैसे पकाता है अगर नहीं पता तो। लेकिन हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, तो पता ही है। हाँ, तो मैं कहा था मैं ये करने वाला हूँ। ओके, तो मैं इसमें थोड़े से, अरे क्या हो रहा है, सो मैं थोड़े से डालता हूँ, एक ही डालता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं। अंदर खुदाई करने के लिए मुझे शायद 4-5 टॉर्चेस ही होंगे, तो मैं 3 डाल देता हूँ और 3 अपने पास रखता हूँ। तो ये तो हमें मिल गया ये चीज़। अब हमें थोड़ा इस तरह थोड़े और पेड़ काटने पड़ेंगे, थोड़े से और, क्योंकि हमें घर बनाना है भाई। तो शायद ये स्प्रूस है मेरे हिसाब से, स्प्रूस, यहाँ स्प्रूस वुड है। तो मैं नहीं चाहता कि
मैं ज़्यादा चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं जो कुल्हाड़ी बनाई है उससे मैं पहले अपनी पूरी उसे एंड करूँगा, उसका पूरा एफिशिएंसी का फ़ायदा उठाऊँगा, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। और इसमें हम ट्री हाउस नहीं बनाएंगे, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा बढ़िया सा घर बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छा पेड़ है, छाँव अच्छी देगा यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे मॉब्स वॉन्स स्पॉन होते हैं, यहाँ पे डॉग्स भी होंगे। ओके, तो ये फालतू पड़ा है, ये डिफॉरेस्टेशन का हिस्सा नहीं है, हम इसे तोड़ सकते हैं। भाई हमने तोड़ लिया है जितने पेड़ तोड़ने थे, पानी है, हाँ यहाँ पानी है, मैं नहीं जाना चाहूँगा इसमें। तो इस वक्त हमें अपना एक घर बनाना है। मैं अभी तो अपना घर नहीं बनाऊँगा इस वाले पार्ट में, इतनी जल्दी मुझे शेल्टर चाहिए होगा। मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे शेल्टर से पहले मुझे थोड़े मटेरियल चाहिए। तो यहाँ मेरे पास 8 टॉर्च आ चुकी हैं, और इन 8 टॉर्चेस से मैं थोड़ा, एक सेकेंड, क्योंकि मैं पहले माइनिंग पे ध्यान देता हूँ, हमेशा माइनिंग पे ध्यान, बना लो एक स्वॉर्ड। लेकिन अभी क्योंकि मैं तो थोड़ा प्रो हूँ, मैं स्वॉर्ड नहीं बनाऊँगा, प्रो भाई स्वॉर्ड नहीं बनाते। तो यहाँ मुझे अभी तक कोल तो दिखानी है, लेकिन क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है आपको केव के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसे आप अपना घर कह सकते हो, घर समझे। देखो ये, ओ इधर आ, इधर आ, कहाँ छुपन छुपाई, ओह शिट, क्रीपर, मैं देखा नहीं क्रीपर को, ऐसे तो मैं हथौड़ी से इससे कुल्हाड़ी से आ, चलो आगे से, क्रीपर भयंकर फट गया क्रीपर, पता भी नहीं चला। तो अब एक ये देखो, ये नहीं अभी नहीं मिला यार, बहुत गुफा तो बहुत बढ़िया है, मैं अभी पूरा अंदर नहीं जाऊँगा, मेरी टॉर्चेस ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले मुझे कोल भी मिल गया और आयरन भी मिल गया, देखा डायमंड से। तो देखो हमें कोल मिला तो हम एक और टॉर्च बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, तो 2 कोल मिले हैं, लेकिन अभी के लिए हमें एक चाहिए। और कोल की तो यहाँ भरमार है भाई, मेरी टॉर्चेस खतरनाक बनी है। ऐसी बात है कि माइनक्राफ्ट में अगर तुम नॉर्मल मोड में खेल रहे हो तो तुम्हें इतनी जल्दी भूख नहीं लगने वाली, थोड़ा सा काम करके तुम ऊपर जाके मार सकते हो मॉब्स को थोड़े से। कोल खतरनाक, तो भाई सबसे पहले कोल ही कहते हैं, क्योंकि फायदा क्या होता है इससे, अगर तुम एक स्टोन का घर बना रहे हो, अगर तुम एक स्टोन का घर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें काफ़ी सारा कोबल स्टोन अपने आप ही गैदर हो जाएगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोबल स्टोन गैदर करने की। फालतू में मीनिंग करते हुए बहुत सारे स्टोन गैदर कर लेते हैं, तो अभी तो मुझे कोल की इतनी ज़रूरत नहीं है, कोल तो मिलता रहेगा, तो मैं टॉर्चेस बनाना चाहूँगा इनसे। देखो भाई, तो हमें मिल चुकी है एक माइनिंग वाली गुफा पहले पार्ट में, वाह, और वो एक कोल रह गया मिलेगा। तो हाँ भाई पीछे कुछ रह गया, एक सेकंड में जो आ रहे हैं दिखाता हूँ, यहाँ पे यहाँ नहीं, अच्छा वो आ गया तेरा कोल, ये दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। जब तक एक शील्ड बढ़िया नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलो 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 चलो, तो अभी रात नहीं हुई है और भूख लग जाएगी, तो मैं अब खाने की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी रात, सबसे पहले तो बेड चाहिए होता है, बेड तो खतरनाक चाहिए, बेड के बिना आपको काम नहीं चलेगा। और देखो दूर से दिख गया खाना, और जब खाना दूर से दिखे तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए।
और भाई साहब ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है अगर आप टाइगर बायोम में या किसी ऊंची बायोम में, ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है। आपको फालतू में डायमंड्स के लिए ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता, बहुत सारे लेवल्स तो आप नीचे ऐसे ही चले जाते। कर सकते हैं अपना फूड कुक खतरनाक तरीके से, और ये चारकोल से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं चिकन भी रख दूँगा। जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए भाई, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। तो अभी तो मुझे इतनी भूख नहीं लगी कि मैं स्पीड स्लो हो जाए, पर फिर भी मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी, पर ये भी तो है, देखो भाई अगर तुमने एक बार खाना खा लिया और तुम इसे खाओगे तो तुम्हारा हेल्थ बार कोई दिक्कत नहीं करेगा, तुम्हें हंगर की तरफ नहीं जाओगे। अगर तुमने एक बार अच्छा वाला खाना खा के फिर इसे खाया है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने दूसरी बार इसे खाया तो देखो एकदम से हंगर आ गया, तो वही दिक्कत होती है इसमें बस। अगर तुम थोड़ी सी तुम्हारी पावर बच रही है तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो तुम फालतू में अपना, क्योंकि तुम्हें पता है एक पोर चॉप बहुत सारी हेल्थ देता है, और अगर एक पोर्क चॉप को एक दिन एक फूड का बार भरने के लिए, सिर्फ एक बार भरने के लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर तो फ़ायदा नहीं उसका, बेकार है। तो ऐसे टाइम पे तुम रोल्स क्या बोलते हैं फ्लैश, जो वाला फ्लैश होता है ख़राब वाला, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे यहाँ आयरन दिखा था नहीं पर शायद, चलो ये ऊपर भी चलेंगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आयरन की तो कमी नहीं होने वाली शुरुआत में भाई, अगर तुम्हें अच्छे से गेम खेलना है तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं शुरुआत में इतने सारे ऐसे ऐसे मटेरियल गैदर करने की तरफ ध्यान देता हूँ, क्योंकि खाने की कमी नहीं है, खाना तो बाहर जाके मिल जाएगा, अभी सुबह होगी तो हम खाना भी खा लेंगे। और ऐसा नहीं होता कि तीन दिन में फैंटम भी आ जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं वो, जब तुम थोड़े और ज़्यादा खेलने लग जाते हो उस गेम को उसके बाद फैंटम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई आयरन भी स्मेल्ट हो गया हमारा, ओह शिट गोली खत्म, आयरन स्मेल्ट हो गया। और जब आयरन स्मेल्ट हो फिर एक तो शेयर बना लो अगर बेड बनाना है, और एक शील्ड बना लो अगर तुम इसके अंदर हो, और एक स्वॉर्ड बनाऊंगा, लेकिन मैं आयरन की अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि आयरन मेरे पास है नहीं। अब आ गया मेरे पास वो मटेरियल, इससे हम आराम से माइनिंग कर सकते हैं। अब कोई स्केलेटन हमारा पीछा नहीं कर सकता, कोई स्केलेटन परेशान नहीं कर सकता, परेशान करेगा तो एक सेकंड टॉर्चेस ये देखो भाई, देखा फायदा यही होता है इसका, मतलब अगर तुम शुरुआत में फालतू काम कर रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो माइनक्राफ्ट में, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें अगर माइनक्राफ्ट जल्दी ख़त्म करके इसका और क्रिएटिविटी का मज़ा लेना है तो भाई मेरी बात मानो, गलत तरीका आपने, बहुत खतरनाक तरीका। और मेरे कोल ख़त्म हो गया, तो भाई थोड़ा सा कोल निकाल के ले आते हैं। इस माइंस से अच्छी जगह कोई नहीं है तुम्हें स्टे करने के लिए, स्टे करो माइंस में। माइंस एक परफेक्ट मर्द, एक खतरनाक प्रो बंदा शुरुआत में माइंड में घुस जाता है। और ये रास्ता खाया था भाई, बस टॉर्च नहीं है यार, मुझे कोल चाहिए, कहाँ अपने उसमें से निकालने की सोच तो रहा था मैं, लेकिन आगे भी था वो रहे वहाँ थे। अब स्केलेटन था वो कहाँ गया, सामने भी बहुत परेशान किया, ग्रेवल ओ शिट ग्रेवल सारी गिर गई, ये देखा एक ग्रेवल का ब्लॉक नहीं तोड़ा मैंने और ये पूरी ग्रेवल टूट गई, मैंने आवाज़ भी नहीं करी। एक सेकेंड मुझे आवाज़ सुन रही है,
मुझे भी नहीं आ रही आवाज़। मैंने गेम की आवाज़ बंद कर रखी है यार, ये ग्रेवल की आवाज़ आ रही थी तो ज़्यादा सही था ना, ऐसा तो मैं मर जाऊँगा अगर मैं ग्रेवल की आवाज़ सुनूँ। भाई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है मुझे, वो कितना सारा फोन है। खतरनाक लेवल बे, वो भी नीचे खतरनाक वाली जगह पे। तो भाई वे अपन नीचे भी चले देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वो तो आ गया है तो शील्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे ये देखो इस टाइप की चीज़ कहते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है तो तुम चारों तरफ से बंद करके अपना एक स्टे रूम बना सकते हो आराम से। तो भाई मैंने भी बहुत सारी माइनिंग की और मुझे बहुत सारा आयरन भी मिल गया। देखो एक स्टैक तो शायद हो ही गया है, बस खाना चाहिए। एक स्टैक हो गया और थोड़ा सा और भी अभी है, पर मैंने अभी निकाला नहीं, मैंने सोचा बाद में निकालेंगे, अब थोड़ा और काम करते हैं। तो अब अगले पार्ट में हम घर बनाएंगे और बाकी फार्मिंग करेंगे, फार्मिंग उससे अगले पार्ट में सर, पर अगले पार्ट में पक्का घर। और घर हम बनाएंगे, देख के आते हैं थोड़ा बाहर की तरफ एक सेकंड देख के आते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास स्वॉर्ड और ये दोनों है एक तरह से, तो इतना हमारा आयरन स्मेल्ट हो रहा है, इतना थोड़ा बाहर चलते हैं। ठीक है भाई, चलो 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 चढ़ ऊपर, चढ़ चढ़ यार, यहाँ तो मुझे लगता है मुझे स्टेयर्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हमारी माइन हो गई है, नहीं बाहर रात हो गई ख़तरनाक वाली। और मुझे लगता है मुझे अपने मैं लाया हूँ स्टेयर्स, मैं सब चीज़ लाया। तो ये देखो भाई, और यहाँ पर मुझे एक डॉगी भी दिखा था, और मुझे यहाँ पे एक डॉग भी दिखा था, मुझे खाने की कमी हो रही है। कोई नहीं, खाना तो ऐसे मिलेगा भाई साहब, सारा खाना मिल जाएगा भाई। यहाँ मुझे एक डॉगी दिखा था, मैं सोचा डॉगी को बना लूँ तो कोई स्केलेटन मेरे पीछे नहीं आएगा, तो क्योंकि डॉगी डॉगी से डरते हैं ना स्केलेटन से, क्योंकि भाई डॉगी को हड्डी पसंद है और हड्डी तो स्केलेटन के पास ही मिलेगी। तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम वहाँ बनाएंगे उस स्टैंड के ऊपर का, तो मैं वहाँ पे मार्क लगा के आता हूँ। इतना मैं खाना भी ढूंढूँ, आप टेंशन मत लो, मरूँगा नहीं। ओ यहाँ पे एक वो भी, ओ बहुत बढ़िया, यहाँ ज़्यादा रोशनी करते हैं। और सुबह भी हो गया तो दिन भी निकल गया, बहुत अच्छी बात। और हम अपना घर बनाएंगे, तो मैं बनता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।